फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1853 में पहली रेल चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी इसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आगरा से मथुरा, दूसरा मुंबई से थाने, और थर्ड है जो सी नंबर दिल्ली से मेरठ और हावड़ा से बंद्रा। तो इसका सही आंसर होगा बी, मुंबई से थाने फर्स्ट बार रेलवे चली थी जो भारतीय रेल ने चलाई थी वो 1853 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें से आपको चार ऑप्शन है। पहला पारादीप उड़ीसा, तो पारादीप उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है। दूसरा सी नंबर बात करते हैं मंगलुरु कर्नाटक में है। बी नंबर मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होगा। इसलिए हम बात करते हैं इसमें कौन जोड़ा गलत है, गलत के लिए चुनना है तो इसमें बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इजीली क्वेश्चन रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है जीडी के लिए, बस नॉर्मली क्वेश्चन आप रहे। तीन नंबर क्वेश्चन हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय किसका संबंध है, किससे संबंध है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए बहुत इजीली आसान है कि महात्मा बुद्ध की तरह बौद्ध धर्म के थे, ये बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। हम पाँच चार नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निशान ए पाकिस्तान का उपाधि किस भारतीय को मिला था, मौलाना आज़ाद, मोरारजी देसाई, लाला, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें मिला था आपको मोरारजी देसाई को, ठीक है, बी नंबर। पांच नंबर हम क्वेश्चन बात करते हैं, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है, मणिपुर नृत्य के लिए, उड़ीसा नृत्य के लिए, कथक नृत्य के लिए, भांगड़ा के लिए। तो इनमें से सही आंसर होगा आपको कथक नृत्य के लिए बिरजू महाराज को जाना जाता है, सी नंबर आंसर आपका राइट। छह नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भारत का विभाजन से, हिंदू मुस्लिम एकता से, हिंदू मुस्लिम दंगे से, और इसको डी नंबर आपका एक्सप्रेस सही है, भारतीय कांग्रेस के विभाजन से आपको खिलाफत आंदोलन को देखा जाता है। हम बात करते हैं सात नंबर क्वेश्चन की ओर, मुहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, और चौथा ऑप्शन है इराक। तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। आठ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट, इंसेंट वन ए, रोहिणी डी टू। तो भारत में सबसे भेजा जाने वाला उपग्रह का नाम था भास्कर फर्स्ट। अब हम नौ नंबर बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के आयु कितनी वर्ष तक रहती है, मतलब कार्यकाल के बाद उनकी एज की कोई लिमिट होती है नहीं। तो हम बता दें आपको इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि भारत के राष्ट्रपति की आयु की लिमिट नहीं रहती, वो कितने भी वर्ष के हो वो आप बन सकते हैं जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। हम दस नंबर बात करते हैं, भारत में दी जाने वाली सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो फर्स्ट नंबर बात करते हैं भारत रत्न, दूसरा परमवीर चक्र, वीर चक्र, क्रांति चक्र। तो भारत में दी जाने वाली सबसे वीरता का पुरस्कार में दी जाने वाले है परमवीर चक्र को दिया जाता है, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था। तो फर्स्ट है ऑप्शन है 1849 में, सेकंड है 1880 में, थर्ड है 1896 में, और डी नंबर है 1900 में। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग होता 1896 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत सेना का मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम था। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर है अग्नि, सेकंड नंबर मसाल, थर्ड
थर्ड में है अर्जुन और फेंटे में। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन, सी नंबर आंसर आपका सही है। चेतक किस घोड़े, किस राजा के घोड़े का नाम था, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 14-15 दो क्वेश्चन और बचे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 14 हम बात कर लेते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं। गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर। तो आपको बता दूं, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी उसी को कहा जाता है, कभी कभी पिंक सिटी भी लिख देता है, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा का किससे संबंध है, किस वंश से संबंध है। तो फर्स्ट नंबर ताबला, दूसरा सितार, तीसरा सरोद, चौथा संतूर से। ये आपका करेक्ट आंसर आपका डी वाला इसका सही है, संतूर, जिससे आपको पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। तो फ्रेंड ये तो था जीडी के नॉर्मली आपके जीके क्वेश्चन थे, इसका जीएस का मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो आपको वीडियो अपलोड हो चुका होगा, आप जल्द ही देख लें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों।